वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है, बिलीव मी दिस वीडियो विल मेक स्टमक एक, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पाक मीडिया ऑन मोदी। चलो देखते हैं भैया, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन पर आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बड़े मजे से बैठिए, आपको उठाएगा कौन? खुद ही उठूंगी, आप कौन उठाएगा? और मुझे आप पे हंसी आ रही है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल हिंदुस्तान टाइम्स में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कोई न्यूज नहीं है, कोई न्यूज वीडियो नहीं है, वो है कॉमेडी वीडियो। आवाज कैसी आ रही है? न्यूज एंकर के चैनल वही से खराब आवाज वीडियो, और इसमें इराम महमूद जो है वो इसका होस्टिंग करती है, तो बहुत ही फनी वीडियो है। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, वीडियो के बाद इसमें रिएक्शन लेते हैं। जो है ये सीढ़ियां पूरी कर चुके हैं और ये मेरी लास्ट सीढ़ी है, लास्ट सीढ़ी। ये देखे जी, ये मेरी लास्ट सीढ़ी है, आगे तो कुछ भी नहीं है। आगे क्या है? ये देखने आए हैं भैया? क्या है? ये इतने ऊपर हम ये मिट्टी के पहाड़ देख रहे हैं और नीचे ये पत्थर देख रहे हैं? ऐसे जुलम ना करो, सही बताओ ना, हम भूल भैया देखने आए हैं? पत्थर का है? बात तो सही। अच्छा चलो, मेरा तो दिल बंद हो गया, कितनी सीढ़ियां चढ़कर हम ये नजारा देखने के लिए आए हैं। ये तो हमें कहीं पर भी मिल जाना था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आगे समुंदर अभी है। ओ, समुंदर देखने आए हैं। इतनी ऊपर में से समुंदर होता तो नहीं है? नीचे देखेगा। देखते हैं जी, मकबूल भाई का कहना ये है कि इतनी ऊपर समुंदर है, मैं इसमें सोच नहीं सकती। पहाड़ के ऊपर समुंदर था, मैं भी सोच नहीं सकती। सूरज के साथ समुंदर चल, पहाड़ी से नीचे कैसी बातें कर रहे हो भाई, पागल बना रहे हो? चले देखते हैं कि समुंदर किस तरफ है, समुंदर को ढूंढते हैं। जी नाज़रीन, सीढ़ियों के बाद भी थोड़ा सा सफर था और अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा जो है वो समुंदर नजर आ रहा है, और मैं आपके साथ ये समुंदर देखूंगी। मैं अभी पीछे नहीं देखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमें और आप इकट्ठे ये समुंदर देखे, ये नज़ारा देखे कि यहाँ का क्या नज़ारा है। तो ये ना हो चलते चलते मकबूल भाई देखना सीधा समुंदर में ना जरूर है। ठीक है, तो आगे आगे, 1 2 3। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, वाह खूबसूरत, क्या बात है, ये कितना प्यारा है। मीन आप देखे कि दोनों तरफ जो है वो समुंदर है और बीच में गवादर शहर है, और ये समुंदर के अंदर कश्तियां भी छोटी छोटी जो है वो चल रही है, वो मछली पकड़ने वाले जो है वो अपना काम कर रहे हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, सुभानअल्लाह। मीन्स के जितना मैंने सफर तय किया, यकीन करें जितने मुझे पसीने आए, अभी तक मुझे सांस चढ़ा हुआ है, मेरा यहाँ आने का मकसद जो है वो पूरा हो गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मीन्स के पता नहीं कैमरे की आंख आपको वो चीज़ दिखाती है या नहीं, जिस वक्त मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि आप देखें दोनों तरफ जो है समुंदर और बीच में पूरा ग्वादर शहर है। वाह खूबसूरत, माशाल्लाह। समुंदर देखे, सूरज भी देखे, एक और चीज है जिसे मेरी आंखों में मुझे यकीन नहीं आ रहा, मींस माइंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इतने सीढ़ियां चढ़ के आप देख रहे थे मेरी हालत की हुई है, तो मकबूल में वो पीछे देखे एक बाजी है वो भी बैठी हुई है और सेल्फियां ले रही है, लेकिन वो बहुत हैवी है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो 850 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक कैसे आई है। मींस इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे बात करें और उनसे पूछे कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतने हैवी वेट के साथ ऊपर तक कैसे पहुंची, रस्सी डाल के किसी ने खींचा या क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है? आयशा नाम है मेरा और मैं कराची से आई हूँ। कराची से आप, तो ये पहाड़ी पे आपको पता 850-900 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक आना पड़ता है? हाँ जी, बहुत सीढ़ियाँ हैं। मतलब कि आप माशाल्लाह सेहतमंद है, तो आप ऊपर तक कैसे पहुँचे? मुझे 2 दिन लगे ऊपर आने में।
जी वाकई 2 दिन लगे मुझे ऊपर आने में। पता है 850-900 सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर तक आई हैं, तो ये हैरत अंगेज बात है कि माशाल्लाह आप कैसे पहुँच गई ऊपर तक। मैंने आपको बताया कि मुझे 2 दिन लगे हैं और मैंने ऊपर आने में, अब मैं 2-3 दिन ऊपर ही रहूँगी। इसके सीढ़ियाँ मैं और मेरी टीम जो है, चले मेरा भी थोड़ा सा वेट है, लेकिन जो मेरी टीम है वो बड़े दुबली पतली से आपको नजर आ रही है, तो वो भी बहुत थक गई थी और हमें 2-2.5 घंटे लगे ऊपर तक आने में। तो आपने कहीं रस्ते में सीढ़ियों में स्टे किया था, कोई कैंप वगैरह आपके पास? इतना खूबसूरत नज़ारे पे आप बैठी हुई हैं, तो कोई एक आता शेर हो जाए तो क्या बात है? मुझे शेर नहीं आता। कोई गाना आता है, कोई लिरिक्स वगैरह? नहीं नहीं कुछ भी नहीं आता। कोई कुछ तो आता होगा? नहीं कुछ भी नहीं आ रहा मुझे। इस तरह तैयार होना तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है जी। कितना टाइम लगता है आपको तैयार होने में? कोई टाइम नहीं लगता, बस नॉर्मली होता है। ऐसी मजाक कर रहे हैं, माइंड ना कीजिएगा जी। तो यहाँ बड़े मजे से बैठिए, आपको उठाएगा कौन? उठूंगी आप, कौन उठाएगा? आपकी फैमिली वगैरह खेली है या नहीं? फैमिली भी है, वो लोग उधर गए हुए हैं फ्लैग वाली जगह पे। थक गई थी? नहीं बस वैसे ही मुझे अच्छा लगा ये व्यू, मैं इसलिए यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे बता दे कि ऊपर कैसे आप इतना हंस रही हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप सीढ़ियाँ चढ़ के आई हैं? 850-900 सीढ़ियाँ। अच्छा सही, इसीलिए आप इतना वो एक्साइटेड हो रही है ना जी। हम लोग अपनी कोस्टर पे आए हैं ऊपर, और यहाँ कार्स भी और कोस्टर्स भी आती हैं जी। आप मेरे देखे, हमारी कोस्टर खड़ी हुई है ये पीछे वाली, मतलब गाड़ी आती है। यहाँ गाड़ी और कोस्टर्स भी आती हैं जी? यहाँ गाड़ी और कोस्टर्स भी आती हैं। सही बताए जी, हम अपनी कोस्टर पे आए हैं। और मुझे आप पे हंसी आ रही है। थैंक यू सो मच मेरी इन्फॉर्मेशन में। आपको सीढ़ियाँ चढ़ के कैसा लगा? नाज़रीन वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा फलोगे, तो वाकई वो कोस्टर खड़ी है मकबूल भाई, वो कोस्टर खड़ी है। बड़ी मजेदार वीडियो था। नहीं जब इन्होंने कहा ना कि पहाड़ में समुद्र कहाँ से आ सकता है, पहाड़ पे मैं भी सोच रही थी है पहाड़ के साथ साथ, मेरे को भी वही लगा कि वो कह रहे हैं कि ऊपर आए हुए हो, जैसे बीच है तो पहाड़ के साथ आगे पहाड़ बीच टाइप बन गया है। तो जब इन्होंने कहा ना नहीं ऊपर से नीचे देखेंगे, मैंने कहा ओहो ये लॉजिक है, तो मैं भी पहले सोचने लग गई थी। पर दिस वॉज फैंटास्टिक। और जो उसके बाद जो लेडी दूसरी थी उन्होंने जो बताया, और इनकी जिस तरह से मतलब फ्लॉप किया, इनको चॉप किया, वो बड़ा मजेदार था कि भैया गाड़ियां भी आ सकती है। और बार बार बोलिए 800-900 सीढ़ियां चढ़ के आई हूँ, हर थोड़ी देर बाद उनके लिए इतनी सारी थी, ऑब्वियसली है बहुत सारी और बुरी हालत है, तो वही कह रही है। और उसको तंग कर रही थी, भैया तो आप कैसे आए, आप कैसे? वो भी ये भी पूछ रहे थे कि अच्छा तो बीच में सोई कहां पर, वही क्वेश्चन। मजाक गई थी, 2 दिन लग गए, मैं 2 दिन लग गए सीढ़ियों पे, कोई 2 दिन कैसे बैठ सकता है भाई, रात को भी चल रहा था क्या? नहीं वो कह रहे थे ना कैंपिंग वैम्पिंग की चीजें भी लेके आए थे। वही तो, उसने यही पूछा, तो फिर पता चला कि आप सीधा आ सकते हो वहां से गाड़ी लेके। ये चल के आए माना, और तभी अपने कैमरा वाले को डांट रही थी कि देखो वो तो गाड़ी में आती है, बड़ी पहले कैमरा चढ़वा दिया, चलो ऊपर सीढ़ी चढ़े, और पहले जैसी वो पहुंची उनको गुस्सा इसका आया था, इतनी सीढ़ियां चढ़ाई है, ये क्या मिट्टी देखने, इतना चढ़ा दिया कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर उनको किसी ने पता नहीं सी है, तो उनका सी यहाँ पे आता है, मतलब बीच टाइप है, पहाड़ के ऊपर सी कहाँ से आ गया, और सी तो नीचे आता है। फिर उनको समझ आया, मगर काफी हिलेरियस था, मजेदार था। मुझे लगा कि स्क्रिप्टेड तो नहीं था ना? नहीं मतलब नहीं, और जो भाई मुझे पता नहीं, मगर जो बैठी हुई थी लेडी उनके पीछे भागी हुई गई, उनको मैं पकड़ के पूछूं कि ये कैसे ऊपर चढ़ गया। स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था, बीच बीच में कट थे तो समझ आ रहा, जहाँ पे थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा था उन्होंने कट किया है, मगर काफी इंटरेस्टिंग मजा ही आ गया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।